चलिए, तो पहले इसके पहले का जो ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक का वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर में जो वर्ग होता है उस वर्ग में वर्ग को काउंट करने का तरीका सीखा था। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग आयत या फिर आप कहें रेक्टेंगल काउंट करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है उसका, जो कि उंगलियों पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो चित्र आपके सामने है। अगर हम पहले की बात करें तो ये स्वयं में एक वर्ग है और इस वर्ग में हमें रेक्टेंगल काउंट करना है, मतलब आयत काउंट करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए, प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, संख्याओं को जैसा कि पिछले वाले में हमने किया था, हॉरिजॉन्टली नंबर्स को ब्लॉक्स जितने होंगे दिख रहे होंगे एक भुजा पे या साइड पे, उनको लिख लेना है 1, 2, 3, और वर्टिकली भी लिख लेंगे 1, 2, 3। ठीक है, अब करना क्या है, वर्टिकल वाले का सभी का तीनों का योग निकाल लेंगे, मतलब 1 + 2 + 3। ठीक है, क्या बनेगा, 6 बनेगा। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली जो है इन संख्याओं का भी 1, 2, 3 का योग निकाल लेंगे और ये आएगा 6। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा 36। मतलब इसमें अगर देखें तो कुल आयतों की संख्या बनेगी 36। इसी तरीके से आप अगर ये देखें, ये बेसिकली आपको दिख भी रहा होगा कि ये एक आयत है, स्वयं में एक आयत है और इस आयत में आयतों की संख्या, तो वर्ग वैसे भी जितने भी होते हैं वो सभी खुद में आयत होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें करना क्या है। फिर से वही 1, 2, 3, 4, जितने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख रहे हैं उतना लिख लिया, ऐसे ही वर्टिकल लाइन पे 1, 2, 3 लिख लिया जितना ब्लॉक दिख रहा था। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, है ना, तो ये 3, 2, 5 + 1, 6, 6 हो जाएगा, इधर 6 हो गया, इधर क्या करेंगे इन सबको फिर से जोड़ लेंगे, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, मतलब इधर कितना बना इनका योग, 10 बना। अब एक तरफ 6 योग है और एक तरफ 10 है, इन दोनों को हम कर देंगे गुणा, बनेगा कितना, 60। इसका मतलब इसमें जो आयतों की संख्या होगी वो 60 होगी। उम्मीद है कि ये आपको जो तरीका है शॉर्ट ट्रिक है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 1 से 2 सवाल आपके SSC के एग्ज़ाम में या फिर आप रेलवे के एग्ज़ाम में बोलें तो मिल जाता है, मतलब 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक आपका बन सकता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।